हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। अभी पीसीआर ने रेड अलर्ट जारी कर दिए कॉलेजेस के लिए। ऐसा नोटिफिकेशन उन्होंने निकाल दिया है कि गलती से स्टूडेंट उन कॉलेजेस में एडमिशन ना ले पाए, यहाँ पर पीसीआई अप्रूवल से कॉलेजेस आउट हो गए। क्योंकि कई बार क्या होता था कि स्टूडेंट एडमिशन ले लेते थे और कॉलेज नहीं बताते, तो इस बार लिस्ट जारी कर दी गई कि आपको इन कॉलेजेस में अप्रूवल नहीं लेना है। और इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है फिलो ऐप ने। फिलो ऐप एक एजुकेशनल ऐप है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। रेफरल कोड डालिए जिससे आप फिलो ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे इजिली। नो डाउट हो, कॉन्सेप्ट हो, इवन बोर्ड जेई नीट क्यों ना हो, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा फिलो ऐप पर। 24 आवर ऑनलाइन सर्विस। गूगल या फिर एप्पल ऐप स्टोर पर डाउनलोड फिलो लिखने के बाद अपने नंबर से साइन अप करें। उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम का फोटो ऑनलाइन अपलोड करने के बाद विद इन 60 सेकेंड आप इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से कनेक्ट कर पाएंगे लाइव कॉल इजिली। के क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है? अगर बल्ब जो है हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फिलो और डाउनलोड फिलो। 30% केसेस में स्टूडेंट को यही नहीं पता होता है कि जिस कॉलेज में वो एडमिशन ले रहे हैं, फार्मेसी कॉलेज में, डी फार्म, एम फार्म, बी फार्म, फार्म डी कॉलेज में, क्या वो पीसीआई अप्रूवल हैं, कहाँ से उनको लिस्ट मिलेगी, ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी, ये बात उनको नहीं पता होता है। ये बात उनको बाद में पता चलता है कि कॉलेजेस भी पीसीआई अप्रूवल होते हैं। तो यहाँ पे पीसीआई ने इन सब बातों के ऊपर एक नोटिफिकेशन जारी किए, कॉलेजेस के नेम दिए हैं कि इन इन कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं लेना। तो ये नोटिफिकेशन आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर जो डी फार्मा में एडमिशन लेना चाहता है, फार्मेसी कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहता है, तो उनको आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इस नोटिफिकेशन को शेयर कर सकते हैं कि देख लो भाई, इन कॉलेज में गलती से भी एडमिशन ना लेना। अगर ले लिया तो वहाँ से अपने एडमिशन कट करा लो, अपना रिफंड करा लो। तो ये देखिए लिखा हुआ है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया टू वोम सो एवर इट मे कंसर्न। ठीक है, तो ये देखिए फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है इन्होंने, द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीए ग्रांट अप्रूवल टू कोर्स ऑफ स्टडी एंड एग्जामिनेशन इन फार्मेसी अंडर सेक्शन 12 ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1940 फॉर द पर्पस ऑफ द रजिस्ट्रेशन एज ए फार्मासिस्ट सब्जेक्ट टू कंप्लायंस ऑफ नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड अंडर द स्टैचुरी प्रोविजन ऑफ वेरियस एजुकेशन रेगुलेशन फॉर वेरियस फार्मेसी कोर्स फ्रेम्ड अंडर सेक्शन ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948। तो यहाँ पे और दिया हुआ सेकेंड पॉइंट में भी उन्होंने यही बताया, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व डेट सम इंस्टीट्यूशन फेल्ड टू कंप्लाई विद द सेट प्रिस्क्राइब नॉर्म एंड हैंस द 358 एग्जीक्यूटिव कमेटी 31 जनवरी 2022 और द पी सी आई हैज़ टेकन द फॉलोइंग डिसीजन। तो यहाँ पे 353 एग्जीक्यूटिव कमेटी, यहाँ पे मैं बात करूँ जो कि मीटिंग बैठा ली गई थी उनकी, 31 जनवरी को ये उन्होंने ऐलान किया था। ठीक है, यहाँ पे ये इन्होंने सोच लिया था जो कि नोटिफिकेशन ये निकला हुआ है। बताया हुआ एम है टू इशू नोटिस अंडर सेक्शन 13(1) ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948 ऑफ फॉर विदड्रॉवल ऑफ अप्रूवल गिविंग 3 मंथ टाइम टू इंस्टीट्यूशन टू रूट देयर रिप्रेजेंटेशन इफ एनी थ्रो द स्टेट गवर्नमेंट द सैड इंस्टीट्यूशन आर आल्सो एडवाइज नॉट टू मेक एडमिशन फ्रॉम 2022 to 2023 एकेडमिक सेशन तक उनको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये बताया हुआ द रिप्रेजेंटेशन इफ रिसीव्ड फ्रॉम द सेड इंस्टीट्यूशन विल बी कंसीडर बाय द पीसीआई फॉर डिसाइडिंग द फर्दर लाइन ऑफ एक्शन। बी में द इनटेक कैपेसिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन हैज बीन रिड्यूस्ड अकॉर्डिंग द लिस्ट ऑफ सच इंस्टीट्यूशन इज एज अंडर फॉर रेडी रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन। इन तीन पॉइंट में पीसीआई ये कहना चाह रही है कि हमने काफ़ी समय दिया, काफ़ी मीटिंग बैठा ली, तब जाके इस लिस्ट को हमने जारी किया है। तो यहाँ पे ये ए पे जो लिस्ट जारी की इसमें ये बताया हुआ है जो इंस्टीट्यूट्स हैं, लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन विच हैव बीन इशूड नोटिस अंडर सेक्शन 13 फॉर विदड्रॉवल ऑफ अप्रूवल एंड एडवाइस नॉट मेक एडमिशन फ्रॉम 2022 to 2023 एकेडमिक सेशन तक उनको एडमिशन नहीं देना चाहिए। ये बात उन्होंने बताया, कॉलेज नेम, स्टेट, कोर्स नेम है। तो यहाँ पे बताया 33 चंद्रवंशी फार्मेसी कॉलेज पालामाऊ, ठीक है, झारखंड का, डी फॉर्म एंड बी फॉर्म कोर्स में एडमिशन मत लेना। फिर सेकंड है जो कि SSMT कॉलेज ऑफ फार्मेसी डिस्ट्रिक्ट कोडरमा झारखंड, झारखंड के 2 कॉलेज डी फार्मा का यहाँ पे एडमिशन आप लोग मत दीजिएगा। सेकंड में बताया हुआ कॉलेज नेम, यह बताया जीरामणि जगदीश इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी छत्रा झारखंड का, ये भी है, ये डी फार्म एंड बी फार्म में एडमिशन आप लोग मत लेना। ब्राइट स्कूल ऑफ फार्मेसी बोकारो झारखंड में डी फार्म का, RSY कॉलेज ऑफ फार्मेसी दुमका झारखंड का डी फार्म एंड बी फार्म,
कालावती कॉलेज ऑफ फार्मेसी रांची का झारखंड डी फार्म में आप लोग एडमिशन मत लेना। आरोग्यम फार्मेसी कॉलेज गढ़वा झारखंड का बी फार्म में आप लोग एडमिशन मत लेना। लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन वेयर इनटेक कैपेसिटी हैज़ बीन रिड्यूस्ड 2022 to 2023 एकेडमिक सेशन। तो यहाँ पे इसलिए इनको कर दिया गया है, इनकी रिड्यूस कर दी गई है कैपेसिटी को, इसलिए क्योंकि ये सही नॉर्म्स में नहीं चल रहे थे, पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं नॉर्म्स थे इनके। तो कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी धनबाद झारखंड, इनकी 20 सीट्स, ठीक है, इनटेक ऑफ कैपेसिटी 20 सीट्स को इनको ले लिया गया, रिड्यूस कर दिया गया है। झारखंड फार्मेसी कॉलेज 20 सीट्स ले ली गई, डी फार्मा को इसके लिए इनकी और कम कर दी गई है। आरोग्यम फार्मेसी कॉलेज रिड्यूस द इनटेक ऑफ कैपेसिटी 20 सीट्स, ठीक है, 20 सीटें इनकी भी कम कर दी गई डी फार्मा के लिए। तो यहाँ पे अर्चना मुद्गल जी के साइन है, बाकी मैंने लिंक जो है पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहाँ से आप डाउनलोड करके और भी अच्छे से अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को सेंड कर दीजिएगा, जिससे वो भी समझ पाएंगे।